हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। मैं हूं दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे एमसीएक्स क्रूड ऑयल लीड जिंक कॉपर लाइक डेट। तो देखेंगे हम कहां पे बाय एंटी, कहां पे सेल एंटी कर सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं क्रूड ऑयल। तो जैसे कल बताया था क्रूड ऑयल, तो आपको जो पॉइंट दिया था वहाँ तक एग्जैक्टली गया, तो उससे भी क्रॉस करके ऊपर चला गया। तो जैसे आपको बताया था 50 मूविंग एवरेज का आसपास आने वाला है, तो वहाँ तक भी आ गया मार्केट। तो देखेंगे आज ये कि मार्केट क्या होने वाला है और कहाँ पे एंटी करेंगे। ठीक है, तो सीधा लेके ले चलता है मेरा जो ट्रेडिंग सेटअप है। ठीक है, और एक बात बता दूं आपको, अगर कोई मार्केट, कोई भी मार्केट का ऊपर रिसर्च करना है, अगर आपका पोजीशन है कहाँ पे निकल सकता है उसका ऊपर आपको जानना है, तो मुझे एक कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके दीजिए, तो उसका ऊपर भी मैं रिसर्च करके देंगे। तो चलो लेके चलता है मैं कहाँ पे एंटी करता हूँ, कहाँ पे एग्जिट होता हूँ, तो उसका लेके चलता हूँ। राइट, तो ये होता है मेरा ट्रेडिंग सेटअप। राइट, चलो मैं यहाँ पे क्रूड ऑयल डाल देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मेरा ट्रेडिंग सेटअप क्रूड ऑयल 15 मिनट ट्रेडिंग सेटअप है। तो आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल कंटिन्यूअस ऊपर जा रहा है, जो मैंने लाइन दिया हुआ है जैसे रेड और ये ब्लू। राइट, ये दोनों इसिमोको का लाइन है और ये मैंने लिया 45 का, आप देख सकते हैं 45 का ये है परसेंटेज आर। तो ये इंडिकेटर यूज करके मैं ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग कर लेता हूँ। तो क्रूड ऑयल में देखिए आप मेरा कहाँ कहाँ एंटी पॉइंट मिला था, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो आप देख सकता है कंटिन्यूअस क्रूड ऑयल में मेरे को बाय एंटी मिल रहा है। राइट, तो पहला एंटी मिला था मेरे को 200 मूविंग एवरेज का ऊपर में बाय था, बाय लिया था। नेक्स्ट बाय मिला मेरे, मैं इसका आसपास जो हायर पॉइंट रहता है उसका आसपास थोड़ा नीचे में जो लोअर पॉइंट उसमें निकल जाता, जैसे यहाँ पे निकाल गया मैं। यहाँ से कितना पॉइंट रहेगा आपका, यहाँ पे एंटी किया था, यहाँ पे मुझे 50 पॉइंट लेके मैं निकल गया था क्रूड ऑयल में। राइट, तो नेक्स्ट मुझे बाय मिला था यहाँ पे, सॉरी ये रीजन में मुझे बाय मिला था, तो ये बाय लिया। राइट, नेक्स्ट बाय मिला था मुझे यहाँ पे, ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे मैंने बाय किया। नेक्स्ट बाय मिला इधर, नेक्स्ट बाय मिला इधर मेरे को, क्योंकि सेल लेता नहीं, क्योंकि मैं ये मूविंग एवरेज का ऊपर में है, 200 मूविंग एवरेज के मैं सेल में जाता ही नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट बाय मिला, तो आज देखेंगे मुझे बाय कहाँ लेना है। राइट, तो यहाँ पे देख सकता है एक चीज, देख सकता है यहाँ पे क्रूड ऑयल 50 मूविंग एवरेज, एक 50 मूविंग एवरेज से ये बाउंस हो रहा है, 50 मूविंग एवरेज बाउंस, 50 मूविंग एवरेज बाउंस, ये 20 में बाउंस हुआ था, फिर 50 मूविंग में बाउंस हुआ था। तो मुझे वेट करना है ये कब 50 मूविंग एवरेज का आसपास आएगा। राइट, अगर और एक चीज में देखता रहता हूँ, अगर ये 200 मूविंग एवरेज से बहुत ज्यादा हो गया, लंबा प्राइस ज्यादा दूर चला गया, तो यहाँ पे मैं बाय नहीं लेता यहाँ पे, तो मैं वेट करता 50 मूविंग एवरेज के आसपास, 200 मूविंग एवरेज के आसपास मुझे बाय के लिए। तो अगर आज हम बाय लेना है, तो अगर 1 आवर में भी देख सकता है 1 आवर मार्केट नीचे आ गया, तो 1 आवर में मैं क्या करता, ये जो मूविंग एवरेज आप देख सकते हैं 1 आवर कहाँ पे हुआ, यहाँ पे बाउंस हुआ था 50 मूविंग एवरेज और इसी मोको जो 60 लाइन है, तो यहाँ से मैंने देखा पहले बाउंस हुआ था। तो मुझे वेट करना है ये मार्केट, वेट करना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज और इसी मोको जो किजुसेन लाइन है, तो किजुसेन लाइन का पास आने के लिए, तो उस समय मेरा पास रहेगा प्राइस रहेगा 3500। सो मैं
इसलिए ये क्या करेंगे यहाँ पे एक ड्रॉ कर देंगे लाइन, राइट। अगर मुझे प्राइस ये रीजन में मिल गया 3500 में, तो यहाँ पे बाय लेंगे। तो अगर आप डेली में देख सकते हैं, डेली देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, देखा यहाँ पे डेली में हमने 15 मिनट देख के लिया था। तो आप देख सकता है, मैं जैसे क्रूड ऑयल आपको बताया था, तो ये मार्केट यहाँ से फिर रिट्रेसमेंट करना है, कर सकता है, राइट, अराउंड 3500 में। तो मुझे बाय लेना है तो यहाँ पे बाय लेंगे ये रीजन में। तो मैंने डाला था ये 15 मिनट देख के, आप डेली में देख सकते हैं कितना भयंकर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लिया है। और यहाँ पे और एक लॉजिक है, यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये गैप अप ओपन हुआ था, राइट, ये स्टार्ट है, लेकिन गैप अप होके इसको करेक्शन नहीं किया। तो मुझे लगता है ये गैप अप होके इसको, जो गैप अप था इसको फिल करने के लिए मार्केट फिर से नीचे आ सकता है। तो मुझे एंटी करना है यहाँ पे, तो उस समय आप देख सकते हैं ये मूविंग एवरेज भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के रखा हुआ है, तो एंटी करना है। तो इसलिए मुझे 15 मिनट में क्या करना है, एंटी करना है कहाँ पे, ये रीजन में। और 1 आवर में दिखा देता हूँ मैं, ये रीजन में, ठीक है, ये रीजन में। और 15 मिनट में देखेंगे तो मुझे लगता है ये इसको ब्रेकआउट करके नीचे आ सकता है, राइट। सो ये हो गया क्रूड ऑयल। तो और जिंक भी देख लेते हैं, यहाँ पे मेरा सेटअप में डायरेक्ट, तो जिंक आप देख सकते हैं ये डेली में देखे तो जिंक थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट दे रहा है यहाँ से, राइट। तो यहाँ से रिट्रेसमेंट देने का बाद, और यहाँ पे थोड़ा हैमर पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है, ऑलमोस्ट नॉट एग्जैक्टली हैमर, स्प्रिंग टॉप बोल सकते हैं। तो यहाँ से ये थोड़ा बहुत कॉन्फर्म कर रहा है कि मार्केट और नीचे आने वाला है, राइट। तो ये जो सपोर्टिंग लाइन था, तो सॉरी रेजिस्टेंस लाइन, तो रेजिस्टेंस लाइन का आसपास आ रहा है। तो अगर ये चार्ट में देख सकता है जिंक, तो ये देख सकता है ऑलरेडी जो 20 मूविंग एवरेज वहां तक गया हुआ है, तो मार्केट और नीचे आने का चांसेस है जिंक में। तो यहाँ पे जिंक देखेंगे तो यहाँ से भी दिखाई दे रहा है हमको ना, 20 मूविंग एवरेज से बाउंस होने का चांसेस है। तो हम अभी एंटर करने के लिए 15 मिनट में जाए, तो आप देख सकते हैं 15 मिनट में ऑलरेडी वो एंटर दिया हुआ है कल ही, क्योंकि ये देखिए, देख सकते हैं 15 मिनट में ये ऑलरेडी जो किजुसेन लाइन है, ठीक है, किजुसेन लाइन से ये मार्केट नीचे आने का चांसेस हो रहा है, ठीक है। बट एक बात याद रखना पड़ेगा, ये सेल लेना थोड़ा हमें भारी पड़ सकता है, क्योंकि ये मूविंग एवरेज का ऊपर में है, राइट। तो ज्यादा से ज्यादा अगर बाय लेगा तो इसको जो रेड लाइन दिखाई दे रहा है एट द प्राइस ऑफ 176.93 दिखाई रहा है, तो 178 का ऊपर से आप बाय स्ट्रॉन्गली जा सकता है। ये हो गया जिंक। तो थोड़ा गोल्ड भी देख लेता हूँ, तो गोल्ड डेली में देख सकता है, अगर आप देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग कहाँ पे है, गोल्ड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन, और इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस लाइन है। तो ये रेजिस्टेंस लाइन में आप बाय करेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, गोल यहाँ पे बाय नहीं जा सकता। अगर बाय जाना है इसका ऊपर जो हायर पॉइंट है, वो हायर पॉइंट को ब्रेकआउट करने दीजिए, तब आप बाय जा सकता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन है। तो और यहाँ पे देखेंगे हम थोड़ा, ये हो गया आपका बफर जोन। मार्केट यहाँ पे कभी भी घूम सकता है ये रीजन से, राइट। तो इसलिए ये रीजन में आपको बाय लेना नहीं, लेना है तो ये रीजन का ऊपर अराउंड 32,300 का ऊपर में ही आप बाय जा सकता है गोल, राइट। तो यहाँ पे सेल भी ले सकता है थोड़ा बहुत, अगर आपको सिग्नल मिला तो आप, हम कैसे पता चलेगा अभी हमको सिग्नल मिला सेल का, तो इसलिए हमें जाना है 15 मिनट में। तो 15 मिनट में अगर ये प्राइस ब्रेकआउट हुआ, नहीं तो ये मूविंग एवरेज जो दिखाई दे रहा है हमें, जो मूविंग एवरेज को अगर ब्रेकआउट किया, क्रॉस ओवर किया, तो वहां से आप सेल जा सकता है, नहीं तो इसका ऊपर में ही सेल जाना सही रहेगा, राइट, इसका ऊपर से सही रहेगा। लेकिन
आपको सेल जाना है तो इसको क्रॉस ओवर करने दीजिए तो सेल में जा सकता है। और आप क्या कॉपर, तो कॉपर भी देख सकता है। कॉपर अगर डेली में कॉपर देखे तो डाउन ट्रेंड में है और रिट्रेसमेंट दे रहा है। एग्जैक्टली ये 26 का आसपास गया हुआ है इसी मोको, तो फिर से वहां से रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो 15 मिनट में देखेंगे अगर इसको ब्रेकआउट कर दिया ये लोअर को तो, और 200 मूविंग एवरेज को, तो उसमें सेल जा सकता है। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।